कल की क्लास में एक रिलेशन था, मैंने शायद इस क्लास में नहीं कराया था, ठीक है, बाकी करा दिया था दूसरी क्लास में, ठीक है, कि प्लीज प्लीज, ठीक है। देखिए, मैंने कहा था भैया एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है भैया, स्मॉल ए है, क्या है, स्मॉल ए, ठीक है, और इसके अक्रॉस मैंने पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई कर रखा है, और पोटेंशियल कितना है भैया, वी, ठीक है। अब कैसे उधर रहे ना, इधर क्यों आ रही है तू, दीदी तेरे लिए जगह बजा रखी है, ठीक है भैया। तो ये वाला एंड क्या हो गया, प्लस, और ये वाला एंड क्या हो गया, बीच में क्या सेटअप होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ओए, और एक इलेक्ट्रॉन, वैसे तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, ट्रिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, असंख्य इलेक्ट्रॉन, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन यहां से इधर की तरफ चलना चालू कर देता है, ठीक है भैया, यहां से इस तरफ, दोनों एंड की दूरी कितनी है भैया, एल, ध्यान दीजिएगा, एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन इन पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम में, इसके पर यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, फ्री, एन, वैसे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है लेकिन हमें वही इलेक्ट्रॉन से काम है जो फ्री है, समझ गया, डर क्यों रहा तू इतना, अच्छा आज गलत जगह बैठ गया क्या, ठीक है, यानी एक यूनिट वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन है, एन, अच्छा करंट यहां से क्या जा रहा है, आई, वो करंट घूम कर क्या आएगा, इधर आएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, चलो भैया अभी हुआ क्या कि मुझे पता है फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या पर यूनिट वॉल्यूम में कितनी है, एन, ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, अच्छा इसका कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना कंडक्टर का, ए, और इसकी जो लेंथ है वो कितनी है, एल, तो इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर ए एल, है ना, इस कंडक्टर का इतना वॉल्यूम है, स्मॉल ए है ना, और इतनी लेंथ है, इसकी वजह से इसका इसका इतना वॉल्यूम हो गया, ठीक है भैया, अच्छा भैया एक यूनिट वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन्स थे, तो इतने वॉल्यूम में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे भैया, ए एलन, क्या हो गया भैया, एलन, ए एल एन, एलन, ठीक है, इसे एलन ही पढ़ना और कुछ मत पढ़ना, ठीक है, तो एलन हो गया, ठीक है भैया, उसके बाद ए, आपको पता है इतने वॉल्यूम में इतने फ्री इलेक्ट्रॉन, आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, ई, कितना होता है, ई, आ जा जगह, गेट तो बंद कर दे, साढ़े YouTube में अगर जब वो होता है क्या कहते हैं चेकिंग, तो उसमें ये गाली आती होंगी क्या, बिल्कुल भैया बिल्कुल, तो उसमें सवासी मिलती होंगी ना, यूनिकॉर्न मिल रहे होंगे मेरे को इसके, आ जा शिफ्ट नहीं होंगे भाई, अपनी जगह से नहीं लगी, हाँ बहुत अच्छी लड़की है यार, पागल है क्या साला, कोई बोलते रैप ते मारते उसके मुंह पे, तुरंत बहन है मेरी, ए, गेट बैठ ले, देखिए भैया तो इतना वॉल्यूम है और इतने इलेक्ट्रॉन है, आपको पता है चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन कितना होता है भैया, ए, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है, आपके पास कुल कितने इलेक्ट्रॉन है, एलन, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, ये क्यों क्या है, टोटल चार्ज है, तो किसके बराबर होगा, लीना, क्या होगा भैया, ओए बक, अबे तू लग रहा है इतनी देर है, चल आ जा अब सुअर बंद तो कर दे दरवाजा, एक कंडक्टर है, इसके अक्रॉस में आपने पोटेंशियल डिफरेंस भी अप्लाई कर रखा है, आपको पता है भैया
ये वी किसके बराबर होगा, अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू में, याद है ई एल के बराबर होता है। अरे भैया ये सब हरकतें नहीं प्लीज यार, इरिटेट हो गया तो मैं पेल पाल दूंगा, अच्छा लगेगा। देखिए भैया ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, एल लेंथ है, तो आपका जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो ई इंटू में एल के बराबर होगा, ठीक है। उसके बाद मैंने बताया एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, यानी इसके एक यूनिट वॉल्यूम में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की संख्या है कितनी है, एन है। तो आपको पता भी है वॉल्यूम कितना होगा इसका, एरिया कितना है इसका ए, और लेंथ कितनी है इसकी एल, तो ए एल क्या होगा भैया, इतना वॉल्यूम है, तो इतने वॉल्यूम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, तो एल एन। आपको पता है एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज होता है e, तो कुल इलेक्ट्रॉन जितने इलेक्ट्रॉन हमें दे रखे हैं उसमें कितना चार्ज होगा, लीना, क्या होगा लीना। अब देखिए इलेक्ट्रॉन यहां से चला और यहां पर पहुंचा, इलेक्ट्रॉन इस एंड से चला और इस एंड पर पहुंचा, तो कितना टाइम लगेगा, नाउ टाइम फ्रॉम ए टू बी, ए से बी तक आने में कितना टाइम लगा, तो आपको पता है इलेक्ट्रॉन चल कितनी वेलोसिटी से रहा है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी से, किससे चल रहा है, कितनी दूरी तय करनी है इसको, तो टाइम कितना लगेगा, डिस्टेंस अपॉन में क्या होता है भैया, स्पीड होता है, याद है आपको, तो डिस्टेंस कितना है एल और स्पीड कितनी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है, ये हो गया। अब आपको पता होना चाहिए भैया कि करंट क्या होता है, वी नो क्या करंट क्या होता है, चार्ज अपॉन में टाइम, ठीक है भैया, तो टाइम ए से लेके बी तक का लेना है, और चार्ज क्या है भैया, लीना, क्या है भैया, लीना, और टाइम कितना आ गया है, L अपॉन में वी डी, एल से एल कैंसिल हो गया, क्या बन गया, वीना, क्या बन गया, वीना, ठीक है। कुल फ्री इलेक्ट्रॉन्स एल एन, कुल चार्ज और करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी के बीच का रिलेशन वीना, ठीक है। अब देखिए भैया यहाँ पे कुछ फैक्टर्स है, ये लौंडी आवाज यहाँ पे मत करिए, हरकते नहीं यहाँ पे, यहाँ पे सब बच्चे बैठे हैं, सब आई, सब भी बच्चे बोल रहे हो, सब भी टीचर नहीं बोल रहा, आई आई क्वेश्चन में क्या भी अभी ना, तो आप देख रहे हो आई करंट जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी के डायरेक्टली है, और करंट जो है वो ई, तो चार्ज फिक्स है, चार्ज फिक्स है तो इसका मतलब हम चार्ज, और आपको पता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कभी वैरी नहीं करता, इसलिए हम इलेक्ट्रॉन वाला फैक्टर तो हटा दे रहे हैं, एन है और भैया ए है। तो आपने इन फैक्टर्स के बारे में पढ़ा होगा, चलो एक बार देख लेते हैं, उसके बाद फिर मंत्र के रूप में इसको लिख लेंगे। आवाज कहां से आ रही है, कहां से आ रही है, मुंह तो नहीं बोल रहा तेरा, ठीक है। ये क्या है भैया, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, क्यों, देखिए भैया बताया था मैंने भैया, जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी तो जाहिर सी बात है इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या होगी, ज्यादा होगी, और जब इस इलेक्ट्रॉन की स्पीड ज्यादा होगी तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज क्या होगा, ज्यादा होगा, और रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज को हम क्या कहते हैं, करंट कहते हैं, समझ गए भैया, तो इसलिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होने से क्या होता है, करंट ज्यादा हो जाता है। एन क्या है भैया, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और आपको पता भैया जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, अगर जितने ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे आपको पता है भैया उतने ज्यादा क्या होगा, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज रहेगा, और करंट की वैल्यू भी क्या होगी उतनी। अब मैं बात करता हूँ भैया कि अगर कॉपर की बात की जाए, आयरन की बात, आयरन की बात की जाए, तो कॉपर और आयरन में से कॉपर के पास फ्री चार्ज के जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनका अमाउंट क्या होता है, ज्यादा होता है, इसलिए वो ज्यादा कंडक्टिविटी शो करता है, क्योंकि करंट क्या होता है, ज्यादा आता है। और आपको पता है भैया एरिया बढ़ते ही क्या होता है भैया, एरिया बढ़ते ही क्या होता है भैया, अब रेजिस्टेंस कम हो जाता है, रेजिस्टेंस कम हो जाएगा तो करंट का फ्लो क्या होगा, ज्यादा होगा। तो ये फैक्टर्स हैं जो आपके इफेक्ट करते हैं। बेटा फोटो लगा, फोटो ले जल्दी से, तू ले यार, तू ये इनसे इनके हाथ कांपते हैं, ठीक है भैया जल्दी। क्या कर रहा था ये परिवार, घर परिवार क्या देख रहा है हो गया भाई, ओए कहाँ गए डस्टर, बैठा था किस पे, मिटो भाई से, ओए मिटो तू, कोई डाउट तो नहीं है, चलो। तो हमने कल किया था भैया एक प्यारा सा रिलेशन, उसको हमने नाम दिया था भैया ओम्स लॉ, क्या था,
ठीक है भैया। और ओम्स लॉ में हमने देखा था भैया कि अगर आप पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी आप ये था रिलेशन बिटवीन जो पीछे कराया वो रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट था, कल मैंने करा चुका था, जल्दीबाजी में करा था इसलिए मैंने आज दोबारा से करा दिया उसको। ठीक है भैया, तो ये आपका एक कंडक्टर है जिसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपको दे रखा है कितना ए, और आपका इसके अक्रॉस में पोटेंशियल डिफरेंस कितना अप्लाई कर रखा है भैया बी, और इसके अंदर इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो गई और एक इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव करने लगा विद वेलोसिटी वी डी, और लेंथ क्या था भैया एल था। ठीक है भैया, और एन क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, क्या है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है बेटा एक काम करो उधर उधर चले जाओ उधर, और वो लैपटॉप की स्क्रीन पर देख के पड़ जा, माइक उसका ऑफ कर ले पहले, मतलब 200 रुपए के लेके बिक जाएगा क्या साले, इसके मीटिंग के लेने के 200 रुपए लेके मिलते हैं इसको, लेकिन ये लेगा पूरे दिन मीटिंग पूरे दिन, 100 रुपए मेरे को दे दियो क्लास में बैठा है। ठीक है समझ गए भैया, अब हमें करना ओम्स लॉ। तो मैं आपको बताया था मैंने ओम्स लॉ क्या था, वी नो एट कॉन्स्टेंट टेम्परेचर अगर आप तापमान को फिक्स करते हो तो एक्चुअल में क्या कर रहे होते हो रेजिस्टेंस कॉन्स्टेंट कर रहे हो, तो क्या करते हो भैया तो कह रहे हो कि भैया जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के क्या होगा डायरेक्टली होगा, जितना ज्यादा पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा उतना ज्यादा करंट रहेगा। ठीक है भैया ये ओम्स लॉ कहता है, चलो हम डिड्यूस दी ओम्स लॉ। ठीक है ये ओम्स लॉ है हमारा, साइड में लिख दिया मैंने इसे, बाद में इसको बहुत डिटेल में पढ़ना है। ठीक है तो डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ बाय, ठीक है ओम्स लॉ को डिड्यूस करना है, ध्यान दीजिएगा भैया कोई हंसेगा नहीं इसमें, ठीक है हंसेगा नहीं मतलब हंसेगा नहीं। ठीक है देखो भैया अभी क्या है आपको पता भैया कि आपने अभी एक रिलेशन देखा V equals to में V ना, क्या पढ़ा भैया कोई दिक्कत तो नहीं है इस रिलेशन में, कोई दिक्कत थी स्वास्तिक आपको दिक्कत थी? ठीक है तो करंट क्या होता है भैया, अच्छा V ना की वैल्यू अगर आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी की बात करो तो ये था कैपिटल E स्मॉल E tau upon में, यही था याद है आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यही था, और ई एन ए पीछे लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, चलो इसको अरेंज करते हैं I equals to में। ठीक है ध्यान दीजिए E को हमने क्या लिख दिया भैया, आपको भी पीछे बताया था कि आपका जो V होता है वो E into में L होता है याद है, तो E क्या होगा V upon में L हो जाएगा, कुछ गलत तो नहीं लिखा मैंने, गलत तो नहीं लिखा इसमें, E equals to V upon में L हो जाएगा। अच्छा एक चीज देखिए भैया जहां पर E है उसकी जहां पर हमने V upon में L लिख दिया, क्या लिख दिया V upon में L लिख दिया, और देखिए भैया इसको क्या लिख दिया T डबल E N A क्या बन गया T ना, हंस क्यों रहा है इसमें हंसने वाली बात, अरे मैं कौन सा हंस रहा हूं, जहां लड़की का नाम आया वहीं से इसके मुंह में हंसी रुकती नहीं है। ठीक है आप देखिए भैया समझ गए, अभी आगे बढ़ते हैं, अभी आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिए भैया तो करंट इक्वल्स में क्या हो गया भैया वी ऐसे ही रखिए टी, ये क्या हो गया टी ना, और एम इंटू में एल, अब यहाँ पे कोई खतरनाक चीज आने जा रही है देखिए आपको पता है जब आप ओम्स लॉ ड्राइव करते हो तो ओम्स लॉ इज डायरेक्टली प्रोवाइड टू करंट होता है, पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोवाइड टू करंट होता है, होता नहीं होता, यही तो होता है। ठीक है तो भैया वी को हम फ्री करते हैं, इसको अकेला करते हैं और सारी चीजों को उधर ले आते, तो क्या हुआ वी इक्वल्स टू में आई एम एल अपॉन में टी ना, कोई दिक्कत नहीं भैया मैंने अगर टेम्परेचर मुझे पता ओम्स लॉ जब भी डिड्यूस करते हैं तो टेम्परेचर को क्या करते हैं भैया कांस्टेंट, क्या करते हैं कांस्टेंट कर देते हैं, टेम्परेचर कांस्टेंट होने से क्या होता है ध्यान दीजिए प्लीज प्लीज डिस्टर्ब मत करो प्लीज। ठीक है जैसे ही आप टेम्परेचर कांस्टेंट करते हो तो बता दूं भैया आपको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये एम क्या है एक इलेक्ट्रॉन का मास है वो कभी बदलता नहीं है, आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया तो कंडक्टर की लेंथ में भी कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, क्योंकि जो टेम्परेचर के साथ लेंथ में परिवर्तन होता है उसे कहते हैं भैया लीनियर एक्सपेंशन, आपको पता है लीनियर एक्सपेंशन नहीं होगा जब तक आप तापमान नहीं बदलते। ठीक है भैया रिलैक्सेशन टाइम पर भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है भैया नंबर ऑफ कोलिजन इन द टाइम इन बिटवीन टू कोलिजन, दो कोलिजन के बीच का टाइम होता है, अगर आपने तापमान फिक्स कर दिया तो उसकी रैंडमनेस क्या रहेगी फिक्स रहेगी, वो हर सेकेंड में उतना ही टकराएगा, मतलब ये टाउ क्या रहेगा फिक्स रहेगा। E क्या है इलेक्ट्रॉन पे चार्ज है वो हमेशा क्या रहता है फिक्स रहता है, ये भी है। N क्या है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, मेटल केस में N की वैल्यू कभी भी बदलती नहीं है किसी भी तापमान पर, जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है वो हमेशा रहेंगे हर टेम्परेचर पर।
ए क्या है भैया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अगर 10% चेंज करोगे तो उसकी वजह से एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, वेरी करता है। बढ़ाओगे तो फैल जाएगा, कम करोगे तो सिकुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिया है तो ये भी क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो हमने देखा ये पूरी टर्म क्या आ रही है भैया, कांस्टेंट आ रही है, ठीक है। तो वी इज डायरेक्ट, जब सारी टर्म कांस्टेंट हो गई तो सब हटाएंगे तो क्या होगा, वी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो गया भैया, दैट इज द प्रूफ ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ को हमने क्या कर दिया भैया, प्रूफ कर दिया। लेकिन ये क्या है जो कांस्टेंट है यहां पर, ये कांस्टेंट करते के साथ ही ये पूरी टर्म कांस्टेंट हो गई, तो ये होगा क्या, रेजिस्टेंस। ये क्या होगा, पूरी टर्म resistance. तो रेजिस्टेंस का क्या फॉर्मूला निकला भैया, टीना के सर पे मल क्या कहलाएगा ये, रेजिस्टेंस। टीना के सर पे मल क्या बन गया, रेजिस्टेंस। कोई दिक्कत तो नहीं है, ये याद करने का तरीका, वरना इतना बड़ा फॉर्मूला याद ही नहीं होगा आपसे, समझ गए भैया। तो रेजिस्टेंस क्या होता है, टीना के सर पे मल। ठीक भैया, फोटो ले भी। नहीं मत करना, हो गया। आप देखिए भैया, कोई दिक्कत तो नहीं भैया इसमें, आगे बढ़ते भैया। इस चीज को करने के लिए मेरे को 3 साल लग गए थे, ये चीजों को ऐसा सेट करने के लिए मेरे को 3 साल लग गए थे। मैंने कितनी बार ई को इधर से उधर जम कराया, लेकिन फाइनली जब टीना बना ना तो वहीं रुक गया मैं। मैंने कहा इसको टीना ही रहने दिया, ठीक है। मल में एम ए एल लग जाएगा, लेकिन हमने बगैर ए के ही मल बना दिया, ठीक है, कलाकार है। ठीक है भैया, देखिए अब बात करते हैं भैया कंडक्टेंस। क्या था भैया, कंडक्टेंस को जी से लिखते हैं, आपने केमिस्ट्री में सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ लिया होगा, ठीक है भैया। कंडक्टेंस इलेक्ट्रोलाइट, यार अबे इलेक्ट्रोलाइट भी तो भूल गया, ठीक है। ओए कंडक्टेंस, तो इट इज ए रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे रेजिस्टेंस बढ़ने पर कोई चीज इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करना क्या करती है, कम कर देती है, बंद कर देती है, वैसे ही अगर किसी बॉडी का कंडक्टेंस ज्यादा होता है तो अच्छे से कंडक्ट भी करती है, समझ गए भैया। तो इट इज दी रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो जी कोस में 1/ में क्या होता है भैया, आर। तो 1/ में आर करोगे तो टीना के कहां आ जाएगा मल, नीचे मल, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, कंडक्टेंस। ठीक है भैया, अब जब तक सर रेजिस्टेंस क्या होता है, दिक्कत। अगर सर पे या पेट में मल रहेगा तो दिक्कत होगी, और जैसे ही नीचे आ जाएगा मल तो तेरे जैसा रहेगा। चलो भैया देखिए, मिटो दो, अच्छा ये तो हो गया, रुक जा फिर क्या, मैं ढूंढ रहा हूं। ठीक है, उसके बाद है भैया आपको पता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला होता है क्या, आर इक्वल्स टू में वी नो, ओए वी नो आर इक्वल्स टू में रो एल ए, और हमने देखा रेजिस्टेंस क्या होता है, टीना के सर पे, अरे चला टीना के सर पे मल। तो भैया देखिए, ये पहली इक्वेशन है और ये दूसरी इक्वेशन है, यहां पर दोनों ही क्या आपस में रेजिस्टेंस है। जब दोनों को मैं कंपेयर करता हूं तो आपका जो रो आएगा, कंपेयरिंग बोथ इक्वेशन, बोथ इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को आप कंपेयर कीजिए, ठीक है भैया। तो एल से एल कट गया, ए से ए कट गया, तो रेजिस्टिविटी क्या गया भैया, मैटिन, ठीक है भैया, मैटिन, ठीक है भैया। उसके बाद एक वर्ड आता है भैया, ये क्या हो गया भैया, इसे कहते हैं रेजिस्टिविटी। आपने पढ़ा होगा, ध्यान दीजिए भैया, रेजिस्टिविटी, थोड़ा इसके बारे में बात करता हूं। आपने देखा होगा किसी भी मटेरियल की रेजिस्टिविटी कॉन्स्टेंट होती है, सुना होगा आपने, किसी मटेरियल की रेजिस्टिविटी आपने सुना था कांस्टेंट होती है, नहीं कांस्टेंट होती, ये टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। कैसे, यहाँ पे एक बंदा है, कौन है, रिलैक्सेशन टाइम। अब इन चारों में यहाँ पे कितने फैक्टर है, 1, 2, 3 और सॉरी 4 फैक्टर है यहाँ पर, ठीक है भैया। इन चारों फैक्टर में से
एक फैक्टर जो है वो बदलता है, मास कभी इलेक्ट्रॉन का नहीं बदलता, चार्ज कभी इलेक्ट्रॉन का नहीं बदलता, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन कभी बदलते नहीं है किसी भी टेम्परेचर पे। लेकिन आपको पता है टेम्परेचर चेंज करने पर आपका रिलैक्सेशन टाइम क्या होता है, चेंज हो जाता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि तब नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, बढ़ेंगे, यानी इलेक्ट्रॉन को रिलैक्स करने का टाइम क्या होगा, कम मिलेगा। ठीक है भैया, तो आपका जो ये रेजिस्टिविटी है इनवर्सली बराबर टू क्या है भैया, टेम्परेचर है। आप बोल सकते हो भैया आपने देखा कौन अच्छा कंडक्टर है, कॉपर या आयरन, क्यों समझ गया भैया, जा आइए पता है आपको। क्या मैं कह सकता हूं कि क्या इन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम हो सकती है, उसके लिए क्या कंडीशन हो, इन दोनों की रेजिस्टिविटी सेम हो सकती है क्योंकि किसी कंडीशन में कॉपर और आयरन दोनों सेम रेजिस्टेंस ऑफर करें, ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है, बिल्कुल पॉसिबल है। अगर मैं कॉपर का रेजिस्टेंस क्या सॉरी तापमान क्या कर दूं भैया, बहुत बढ़ा दूं, कॉपर वाले का बहुत बढ़ा दूं और आयरन वाले का क्या कर दूं भैया, बहुत कम कर दूं, तो उस कंडीशन में क्या होगा भैया, रेजिस्टेंस ऑफ आयरन, अगर आयरन बराबर में रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर है तो इसका मतलब क्या होगा भैया कि ओए इसका टेम्परेचर क्या होगा टू स्मॉल, या इसका टेम्परेचर क्या होगा टू लार्ज। ठीक है भैया, तो इन कंडीशन में आप इन दोनों के रेजिस्टिविटी को क्या करते हो, आपस में सेम कर सकते हो। ठीक है भैया, तो रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है भैया, रिलैक्सेशन टाइम, और रिलैक्सेशन टाइम इज ये होता है डायरेक्टली सॉरी इनवर्सली होता है किसके, टेम्परेचर के। टेम्परेचर बढ़ाया आपने तो ये क्या हो गया, कम, और जैसे ही ये कम हो गया तो ये क्या हो गया, ज्यादा। या फिर आप नॉर्मली कह सकते हो कि रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या होगा भैया, टेम्परेचर। अगर आप तापमान बढ़ाते हो तो मटेरियल की रेजिस्टिविटी क्या होती है भैया, बढ़ जाती है। और लेकिन अगर आप थोड़ा इसके अंदर की मैकेनिज्म पे जाओगे तो आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उससे क्या होता है भैया, टेम्परेचर बढ़ाने से इलेक्ट्रॉन्स के अंदर रैंडमनेस क्या होती है, बढ़ जाती है, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होंगे, बढ़ जाएंगे, रिलैक्स करने का टाइम क्या होगा, कम हो जाएगा, रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ जाएगा। ठीक है भैया, फुट दे हो गया भाई। क्या हुआ तू बताना, तू ये क्या हो रहा है, हे राम। ओए भाई ओए, तो कौन कौन से फैक्टर, प्लीज फोन अपने अंदर रख दीजिए, ठीक है, कौन कौन से, ठीक है, कौन कौन से फैक्टर जो है जो आपके रेजिस्टेंस पे प्रभाव डालते हैं। देखिए भैया, तो आपने देखा भैया रेजिस्टेंस क्या था भैया, वी नो फैक्टर अफेक्टिंग द रेजिस्टेंस, फैक्टर द रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस को कौन कौन से फैक्टर क्या करते भैया, इफेक्ट डालते। ठीक है भैया, तो आपने रेजिस्टेंस देखा क्या था, क्या था रेजिस्टेंस, क्या था, ठीक भैया, अभी ओए यहां पर कितनी टर्म्स कांस्टेंट है जो कभी बदल नहीं सकती, एक तो एम है, एक ई है और एक एन है, ये टर्म कभी भी बदल नहीं सकती। ठीक भैया, समझ गया, तो बाकी और टर्म्स बदल सकती है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला लेंथ पे, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, रिलैक्सेशन टाइम पर इनवर्सली है, और रेजिस्टेंस इज इनवर्सली इक्वल टू क्या होगा भैया आपका, एरिया। अभी क्या होता है देखिए, ध्यान दीजिए, लेंथ बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ रहा है, ऐसा क्यों, देखिए भैया रेजिस्टेंस ओवरऑल डिपेंड करता है नंबर ऑफ कोलिजन पे, किस पे डिपेंड करता है भैया,
जिस मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होते हैं तो इसका मतलब उसके इलेक्ट्रॉन अच्छे से बढ़ नहीं पा रहे, आगे दिक्कत हो रही है उनको, और जहां इलेक्ट्रॉन को बढ़ने में दिक्कत होती है उसका रेजिस्टेंस क्या होता है मटेरियल का, ज्यादा होता है। ठीक है, अब लेंथ बढ़ने से क्या होता है? तो भैया लेंथ बढ़ने से ये होता है कि एक्चुअली में क्या होता है, जब लेंथ बढ़ जाती है वायर की तो उसमें नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं भैया, आगे बढ़ते हो। देखिए अगर मान लीजिए रास्ता छोटा है तो कोलिजन एकाक होंगे, निकल जाएगा बाहर, ठीक है, लेकिन रास्ता ही बड़ा कर दिया तो कोलिजन क्या होंगे उसमें, ज्यादा होंगे। ठीक है, और कोलिजन ज्यादा होंगे तो हर बात रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ जाएगी। ठीक है भैया, रिलैक्सेशन टाइम क्या इन्वर्सली होता है, तो आपको पता है भैया रिलैक्सेशन टाइम ज्यादा कब होता है, जब नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, कम होते हैं, और नंबर ऑफ कोलिजन कम होते के साथ ही आपको पता है भैया रेजिस्टेंस तो ऑब्वियसली बात है, इलेक्ट्रॉन को दिक्कत नहीं हो रही, वो सीधा सीधा क्या आगे बढ़ रहा है, कोलाइड नहीं कर रहा, ठीक है, इसलिए रेजिस्टेंस क्या होता है उस मटेरियल का कम हो जाता है। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से क्या होता है भैया, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर देखिए भैया, आप एक पतले वायर में इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ोगे, दो एम्पियर करंट छोड़ो, और एक मोटे वायर में दो एम्पियर करंट को छोड़ो, तो देखिए भैया दो एम्पियर करंट अगर फ्लो कर रहा है तो उसका मतलब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दोनों केस में क्या है भैया, सेम है। एक केस में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन छोटा होने की वजह से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, पास पास में जाएंगे, और पास पास में जाने से नंबर ऑफ कोलिजन के चांसेस क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं। लेकिन जब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बढ़ जाता है तो उस केस में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दूर दूर जाते एक दूसरे से, ठीक है, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से उनके बीच में क्या होता है, सेपरेशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से वहां पर कोलिजन के चांसेस क्या होते हैं भैया, बढ़। अब बड़े फील्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन कम होते हैं, छोटे फील्ड में क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं, समझ गए, वो रेसिंग ग्राउंड है समझ लो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, एल हमने इंक्रीज कर दिया, तो एल इंक्रीज करने से क्या होता है, नंबर ऑफ कोलिजन क्या होता है भैया, इंक्रीज कर जाते हैं, और जहां पर कोलिजन इंक्रीज होता है तो रेजिस्टेंस क्या होता है, खुद ब खुद बढ़ जाता है। अच्छा देखिए भैया, आपने रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज कर दिया, तो रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करने का मतलब है जल्दी जल्दी कोलाइड नहीं कर रहे, यानी नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो गया, नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज कर गया, और नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज करते के साथ ही रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, सॉरी रेजिस्टेंस भी क्या होगा, डिक्रीज कर जाएगा। ठीक है भैया, और देखिए भैया एरिया बढ़ाने से क्या होगा भैया, एरिया बढ़ाते हैं तो इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, म्यूचुअल रिपल्शन की वजह से दूर दूर जाते हैं, दूर दूर जाएंगे तो टकराने की पॉसिबिलिटी क्या होती है, कम हो जाती है। तो एरिया क्या होता है, इंक्रीज करने पे नंबर ऑफ कोलिजन क्या होते हैं भैया, डिक्रीज कर जाते हैं, और नंबर ऑफ कोलिजन डिक्रीज करते हैं, रेजिस्टेंस भी क्या होता है भैया, डिक्रीज कर जाता है। ठीक है भैया, तो हमने देखा भैया कि जो यहां पर फैक्टर है रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली इक्वल टू क्या हो जाता है भैया, नंबर ऑफ कोलिजन। जिस मटेरियल के अंदर नंबर ऑफ कोलिजन यानी रेजिस्टेंस जिसका ज्यादा होगा, तो आप जान जाना भैया कि रेजिस्टेंस इसलिए ज्यादा है क्योंकि इसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो रहे हैं भैया, ज्यादा हो रहे हैं। आयरन बैड कंडक्टर है, कॉपर गुड कंडक्टर है, सिल्वर उससे भी गुड कंडक्टर है, तो इसका मतलब यह है कि जो गुड होगा उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो रहे हैं, कम हो रहे होंगे, है भैया, और जो बैड कंडक्टर होगा उसके अंदर नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो रहे हैं भैया, ज्यादा हो रहे हैं। ठीक है भैया, फोटो लीजिए, मैक्रोनी बना के लाई तू बना के मैक्रोनी, हो गया, आगे बढ़े। मैं भी दे दूंगा जी, डेढ़ जी सुन रहा है भैया, आगे बढ़ते हैं भाई, प्लीज बोल ही नहीं यार, ओ देख तेरी भाई यार, भाई प्लीज चलते देखिए, देखिए कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, देखिए भैया कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटेंस था, कराया था मैंने, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस आउट ऑफ सिलेबस टॉपिक है, रीजन ये है कि आप ऑलरेडी इसको 10th में पढ़ चुके हो। ठीक है भैया, तो इसके ऊपर क्वेश्चन तो सिलेबस के अंदर है, लेकिन टॉपिक क्या है भैया, आउट है, लेकिन मैं कराऊंगा क्योंकि आपने 10वीं में करा ही रखा होगा, क्योंकि उस वक्त जब आप कर रहे थे उस वक्त पेपर नहीं हुए थे, आप ऐसे पास हुए थे। ठीक है भैया, तो खैर कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्री बोर्ड भी घर पे बैठ के दिया था, मेरे को याद है। ठीक है, चलो ठीक है, अगर आपको बात ही हो तो फिर मैं पूछ लेता हूँ, पूछो। हाँ माउंट वालों का तो हाँ, ठीक है भैया, वहां पे दुनिया का सबसे स्मार्ट प्रिंसिपल है वो
शर्मिया भी तो है भी खूबसूरत वो, ठीक है। तो बात देखिए भैया, हम किसी टीचर की बेइज्जती नहीं करते, लेकिन वो सर है स्मार्ट, हर बच्चे की कॉपी के पीछे छपे रहते हैं, लेकिन उनके शकल किसी कॉपी में अच्छी नहीं होती, कि बच्चा उनके मुंह पे ऐसे भाले मार देता है और खराब कर देता है, ऐसे ही होता है ना मेरे ख्याल से, ठीक है। और पूरे फिल्टर लगाने के बाद वो गोरी फोटो मिली है जो पीछे छपी है, जितने फिल्टर हो सकते हैं, स्नैपचैट उसी लिए तो बना है। चलो देखिए, ठीक है, चलो भैया देखिए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस अब देखिए, अगली दो क्लास में मैं केवल क्वेश्चन कराने वाला हूं, संडे क्लास में कोई आएगा नहीं यहाँ पर, ऑनलाइन लूंगा 1.5 घंटा क्लास, ठीक है भैया, ठीक है, ऑनलाइन लूंगा मैं, वो मेरी 1.5 घंटे का मिनिमम क्लास चलेगी भैया, क्योंकि मेरे को सारे क्वेश्चन कराने हैं। ऑफलाइन आओगे? हाँ, नहीं मैं इसलिए कह रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन जो कराऊंगा ना मैं अच्छे लेवल कराऊंगा, ये घटिया जो एनसीईआरटी वगैरह लेवल के नहीं, अच्छे लेवल कराऊंगा, एनसीईआरटी तो मैं करा दूंगा आपको 2-3 दिन में जब भी चैप्टर फिनिश होगा, ठीक है भैया, अच्छे लेवल क्वेश्चन करो, क्योंकि भैया देखिए अभी जो सीयू सेट की बुक इश्यू हुई है ना उसमें काफी, अगर मान लीजिए किसी को नहीं करना आगे करना, जेई मेन नहीं करना, नीट नहीं करना, एनडीए नहीं करना, तो वो सीयू सेट तो करेगा करेगा, तो भैया क्वेश्चन बहुत अच्छे लेवल के आ रहे हैं उसमें, बढ़िया लेवल के क्वेश्चन है, मैंने देखी है, मैं करा रहा हूँ सीयू सेट, हाँ तो बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन है, इसलिए भैया क्वेश्चन की क्लास पक्का लेना, थ्योरी बहुत ज्यादा मैटर नहीं करती है, थ्योरी तो केवल सीबीएसई के लिए मैटर करेगी, लेकिन जो क्वेश्चंस वगैरह रहेंगे, कंसेप्ट वगैरह रहेंगे, वो भैया बहुत काम आने वाले हैं, ठीक है भैया आगे बढ़ते हैं। तो कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, आपके पास दो तरीके कॉम्बिनेशन होते हैं, पहला होता है भैया सीरीज कॉम्बिनेशन, और दूसरा होता है भैया पैरेलल। बता दूं भैया, ए बता दूं सीरीज में क्या होता है भैया, पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट करता है, और करंट क्या होता है, यहां सारे चार्ज कहां से आ गए तेरे, चार्ज करंट क्या होता है, सेम रहता है, ठीक है। ये तो प्रॉपर्टी ध्यान रखना, ये सीरीज कॉम्बिनेशन हो जाएगा, कैसे, हर न्यूमेरिकल हो जाएगा, ध्यान रखना, इतने ही इसी दो लाइन से किसी भी प्रकार के कॉम्बिनेशन को आप आसानी से कर सकते हो, बस स्पेशल सर्किट नहीं होना चाहिए, स्पेशल सर्किट हो गया तो उसमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती है, ठीक है। एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, एक रेजिस्टेंस ये रहा, ठीक है, R1 R2 R3, ये बैटरी का पोटेंशियल है V, ये है क्या भैया, इसके अक्रॉस में क्या V1, इसके अक्रॉस में क्या V2, क्योंकि पोटेंशियल क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करता है, और सब पे करंट क्या रहेगा भैया, सेम रहेगा, तो ये पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ ना इसमें से, तो इसी में से तो डिस्ट्रीब्यूशन हुआ होगा, तो ये वी किसके बराबर होगा, हियर V1 V2 V3, और भी रेजिस्टेंस है तो और भी जोड़ते जाइए इसका, सॉरी और भी डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो और भी जोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वी क्या है भैया, टोटल पोटेंशियल, क्या है भैया, और पोटेंशियल होता क्या है, वी कोस्ट में आई आर, क्या होता है भैया, आई आर होता है, तो भैया अगर वी टोटल पोटेंशियल है तो किसके बराबर होगा, कुल करंट जो कि आई है, कुल करंट जो कि क्या है भैया, आई है, इनटू में कुल रेजिस्टेंस, इनटू में कुल करंट तो आई ही निकला ना, और कुल रेजिस्टेंस मैंने इन तीनों का इफेक्ट देख लिया, आरटी लिख दिया, अच्छा वी वन क्या होगा, आई आर वन, वी टू क्या होगा, आई आर टू, और वी थ्री क्या होगा, आई आर थ्री, आई कॉमन लीजिए, आरटी इक्वल्स में क्या होगा, आर वन प्लस आर टू डॉट 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 आर एन, ये कुल रेजिस्टेंस हो गया सीरीज में, ठीक है भैया। दूसरी बात देखिए भैया, यहां पर नोट में कुछ बात है, पहली है क्या कि टोटल रेजिस्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन हायर वन, यहां पर जो कुल रेजिस्टेंस होगा वो सबसे बड़े रेजिस्टेंस से भी क्या आएगा, ज्यादा आएगा, टोटल रेजिस्टेंस स्टेंस इज ऑलवेज ग्रेटर देन हायर वन, सबसे बड़े वाले से भी क्या होगा, बड़ा रेजिस्टेंस आएगा। दूसरी बात है, अगर ये सारे आइडेंटिकल है, रेजिस्टेंस क्या होगा भैया, आपका आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, तो ये आपका कॉम्बिनेशन टोटल देगा एन आर के बराबर, एन क्या है, नंबर ऑफ रेजिस्टेंस, ठीक है भैया, रेजिस्टेंस की संख्या, और आर क्या भैया, एक रेजिस्टर, ठीक है भैया। फिर अगला आता है भैया आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, क्या होता है भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन, मिटो दो फोटो, ले फोटो कौन ले रहा है, कहाँ खोया हुआ है,
ऊपर वाला मतलब डेव कॉम्बिनेशन जिसके घर में वो फोन वोन नहीं हो या फिर किसी को ऑनलाइन नहीं सुनना तो वो आ सकता सुबह, ठीक है, 8 से 9:30 लूंगा क्लास में, ठीक है, ठीक है, तो वो आ सकता है, बाकी और सब ऑनलाइन लेंगे, ठीक है, मॉर्निंग, ठीक है। देखिए भैया कुणाल बेटा, आप 15 दिन बाद आयो छुट्टी मना के, वहां पे चिल्लाए भी होगे, ठीक है। अब आ रहे भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्या रहे भैया पैरेलल कॉम्बिनेशन में, देखिए रेजिस्टेंस है आपका R1, ये रेजिस्टेंस है भैया आपका R2 और ये रेजिस्टेंस है आपका RN, R1 R2 और R3, यहां पर लगा दी हमने बैटरी और आपको बता दें कि ये सारे पॉजिटिव है, जितने भी रेजिस्टेंस है वो सब इस बैटरी के किससे जुड़े हैं, पॉजिटिव से, और इनका दूसरा एंड किससे जुड़ा हुआ है, तो जो इसका पोटेंशियल होगा वही क्या होगा, सब पे पोटेंशियल आएगा, बोलो हाँ। अब देखिए भैया करंट, देखिए यहां से करंट गया आई, कितना गया आई। तो ये रेजिस्टेंस अलग है, तो रेजिस्टेंस क्या करता है, बताता है कि मेरे अंदर से कितना करंट पास करेगा, तो ये रेजिस्टेंस अलग है, तो ये क्या भैया मेरे अंदर से तू I1 पास कर जा, मेरे अंदर से क्या पास कर जा भैया I2, और इसके अंदर से, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है, पोटेंशियल तो सब पे सेम है लेकिन करंट क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, डिपेंड करता है रेजिस्टेंस पे। एक बात ध्यान रखना कि अगर दो रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और दो में से एक इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है और दूसरा क्या फाइनाइट है, तो इनफाइनाइट वाले से किसी प्रकार का कोई भी करंट पास नहीं करेगा और आप सर्किट में उस रेजिस्टेंस को कंसिडर नहीं करोगे, आप उसी रेजिस्टेंस को कंसिडर करोगे जिससे करंट पास कर रहा है, उस वाले रेजिस्टेंस को आपको कंसिडर नहीं करना है जिससे करंट पास नहीं कर रहा है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये बहुत सारे क्वेश्चन में आपको कंफ्यूज करने वाली लाइन है, ठीक है भैया, तो आप देखना भैया ये रेजिस्टेंस इन्फिनिटी है, बहुत ज्यादा या इससे करंट पास नहीं कर रहा, तो इसका मतलब उसको कंसिडर भी नहीं करना है, ठीक है भैया। तो यहाँ पर V क्या हो रहा है भैया सेम, और I क्या है भैया डिस्ट्रीब्यूट, ठीक है भैया। चलो अब देखिए भैया I क्या हुआ, डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, तो ये किसके बराबर होगा, I1 I2 I3 के बराबर, ये पानी है, ये तीन लाइन है, तो तीनों लाइनों में क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। तो कुल पानी बराबर में दिस प्लस दिस, ठीक है। तो I क्या है, टोटल करंट है, क्या है भैया टोटल करंट, क्या होगा टोटल पोटेंशियल अपॉन में टोटल पोटेंशियल क्या है V, और तो इन तीनों का इंपैक्ट मैंने क्या मैंने मान लिया RT, I1 क्या होगा V अपॉन में R1, ये क्या होगा V अपॉन में R2, और ये क्या होगा V अपॉन में R3, V कॉमन ले लीजिए, क्या होगा RT 1/R1 1/R2 .. 1/RN, अगर N रेजिस्टेंस है, ठीक है भैया, ये हो गया N आइडेंटिकल रजिस्टर हो तो आपके क्या होगा टोटल RT इक्वल्स में, या RT क्या होगा भैया R अपॉन में N के रेशियो के बराबर आएगा, ठीक भैया। और ध्यान रखना नोट में क्या बात करने वाली है कि टोटल रेजिस्टेंस लेस देन लीस्ट वन, जो कुल रेजिस्टेंस होता है वो लीस्ट वन से भी क्या है भैया सबसे छोटा आएगा, ठीक है भैया। तो इतना ही पढ़ाया था, पढ़ाया अगली क्लास में इसके आगे पढ़ाऊंगा, थ्योरी पढ़ाऊंगा अगली क्लास में भी, और फिर 2-3 दिन केवल न्यूमेरिकल कराऊंगा, ठीक है भैया।